जय श्री ऋषि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज हम आपको स्कंद चार का जो है चौथा स्कंद जो है श्रीमद् भागवत कथा का उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं भगवान श्री गणपति बात को जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे स्लैक समझा कि मैं आप लोगों को पूरी श्रीमद् भागवत चैप्टर वाइज समझा सकूं और बता सकूं। ये अहोभाग्य है मेरा, शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे या मेरी माता ने जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिता जो मेरे पोषक हैं उनकी कोई बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जिसके फलस्वरूप मुझे आज भगवान ने इस लायक चुना है 135 करोड़ लोगों में कि मैं श्रीमद् भागवत को चैप्टर वाइज चैप्टर यानी कि अध्याय से अध्याय से जोड़ते हुए आपको सुनाऊं। क्योंकि मैं जो है लोग तो सप्ताह पर्वत करते हैं और एक सप्ताह में से कथा को करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक दिन एक एक चैप्टर के हिसाब से समझाना चाहती हूँ। तो आज हमारा स्कंद नंबर 4 है। देखो इसमें 31 आते हैं अध्याय और पिछला वाले में भी 33 अध्याय थे। तो पीछे जो हमने अध्याय पढ़ा था उसमें हमने जो है सृष्टि की रचना के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से मानव जाति का जन्म होता है ये सब हमने पढ़ा था, योनियां सृष्टियां इन सब के बारे में पता था। तो आज का करने से पहले भगवान श्री गणपति महाराज की जय हो, माँ राधे रानी की जय हो और भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय हो। हे भगवान कृष्ण जी, राधा जी, भगवान गणपति जी, आपसे बहुत बहुत कृपा चाहती हूँ मेरे अपने लिए, मैं इस कथा को सुना रही हूँ, मेरे परिवार के लिए जो मुझसे जुड़ा है। और इसके साथ साथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ वो सभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत मन लगा के चाव लगा कर इस कथा को सुन रहे हैं जो मैं सुना रही हूँ, उन सब पे प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा कृपा कीजिएगा। और उन्होंने जो भी कर्म, मैं तब मैं हूँ संध्या सक्सेना, मेरा जो परिवार है पूरा वो, और जो मेरा खानदान है वो, और जो मेरे जो सुन रहे हैं श्रोता जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग, उन लोगों ने इस जन्म में या किसी भी जन्म में जो भी कोई पाप किए हैं, गलती किए हैं, उन लोगों को कृपा करके माफ़ कर दीजिएगा। और उनके सारे पापों को माफ़ करते हुए उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं और मेरे परिवार की, मेरे खानदान की जो भी मनोकामनाएं हैं, हम पे कृपा करना। हम हमेशा आजीवन आपसे जुड़े रहें और आपकी मधुर कथाएँ सुनते रहें और हमारी जो जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है, जो भी जायज इच्छाएँ उनको पूरी हो जाए, ऐसी मैं चाहती हूँ कृपा। तो आज हम बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्कंद हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4, इसमें 31 अध्याय आते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको पीछे जो हमने अध्याय जो स्कंद नंबर 3 पढ़ा था उसमें कुछ जो था थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ कि बताया गया था कि श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि मानव योनि को जीव कैसे प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं कि मानव योनि में जब ईश्वर स्त्री के उदर में जब पुरुष का वीर्य मिलता है तब मानव जाति का निर्माण होता है। और उसका जो पहला होता है, एक महीने में उसका सिर निकलता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में नख रोम अस्थि निकलता है। इसी तरह से स्त्री होगा या पुरुष होगा वो भी जो चिन्ह होते हैं योनि के या लिंग के वो भी निकलते हैं। चौथे महीने में मांस और सात धातुएं बन जाती है। पांचवें महीने में भूख प्यास का उसको समझ में आता है। पाँचवें महीने में भूख प्यास हो जाती है। छठे महीने में वो झिल्ली से लिपटकर शरीर में घूमना शुरू कर देता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न जल से अपनी धातुओं को प्राप्त करता है। और उसके बाद वो मलमूत्र भी निकालता रहता है और उस समय वो बहुत ही सूखामार स्थिति में होता है और वो एक जानवर जैसे कीड़ा होता है उसके समय समान ही रहता है। और उससे से वो धीरे धीरे अपनी अलग अलग अवस्थाओं में बढ़ता चला जाता है। और सातवां महीना आते ही उसके अंदर थोड़ी सी ज्ञान शक्ति आ जाती है और इस तरह से मानव को अलग अलग जो है मतलब गर्भकाल में ही उसकी 9 की 9 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं और फिर वो बाहर आ जाता है। जीव कहता है कि मैं अधम हूँ, भगवान ने मुझे बड़ी कृपा की है जो मुझे गति दी और मेरे को मानव जीवन में अवतरित किया है। ऐसा जीव बोलता है किसे, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है क्योंकि तब वो आत्मा जो होती है पूर्ण रूप से परमात्मा में ही विलीन होती है और सबने पूर्व जन्म का सभी का ज्ञान होता है क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही आत्मा का जन्म होता है। तो उसको पता होता है कि वो किस जन्म में कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, उसको सब पता होता है। और वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भुगतने के लिए अपने अनुसार जो है गर्भ का चुनाव करके उसमें प्रवेश करता है। इसके साथ साथ लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है वैसे ही उसका जो बुद्धि विवेक का कोना होता है और जिसको आप याददाश्त बोलते हैं वो शीर्ण होकर ख़त्म हो जाती है और जन्म लेने के तुरंत बाद वो अपने पूर्व जन्म को सबको भूल जाती है, ऐसा विधान है।
जन्म लेने के बाद ही आपने देखा है कि शिशु जो है पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है, उसे खुजली का ज्ञान नहीं होता, उसे शरीर खुजला रहा हो या कैसे भी, वो कभी मतलब बच्चा जैसे बाथरूम करता है तो उसमें पड़ा रहता है, माता ने देख लिया तो उसको साफ कर देती है, तो मैला कुचला गंदा सा बदबू देने वाला या इस तरीके से जो भी बच्चा रहता है वो सब जीव की जो स्थिति होती है दयनीय स्थिति होती है, वो उस समय भी भगवान को रोदन करके पुकारता है कि हे जी मेरे को इस स्थिति से जल्दी जल्दी बाहर निकालिए, और तब भी उसको अपने जो है पूर्व जन्म का ज्ञान तो नहीं होता है लेकिन उसको ईश्वर का ज्ञान जरूर होता है, और ऐसे समय में कही बहुत सारी पवित्र आत्माएं उसका ध्यान भी करती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि धूम मार्ग और आर्ची दादी मार्ग से हो जाने के वाले से जो गति होती है उससे जो है भक्ति योग की तरफ इन जो है मानव बढ़ता है, और उसको धीरे धीरे ईश्वर का आभास होता है और वो ईश्वर को अपनी इंद्रियों के द्वारा जानने लगता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है और उसकी जो इंद्रियां हैं उसकी साधनाएं हैं वो उसको ईश्वर से जोड़ने का काम लगती है, जिससे उसका परिवार भी उसमें मुख्य कारण होता है, उसकी मदद करता है। इसी अध्याय में हमने जाना था इसके साथ साथ कि देवहूति जो होती है उसको उसको तत्व ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है इसके बारे में भी, तभी उसको पता चलता है कि किस तरह से ईश्वर को वो मोक्ष के लिए प्राप्त कर सकता है यदि वो भूले भटके उसने कोई गलत काम भी किया है तो कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा और अपने शुभ कर्मों के द्वारा वो पूर्व जन्म के किए हुए सभी पापों को नष्ट कर सकता है। इसी में अब हम आ कहेंगे भगवान श्री कृपति महाराज की जय और भगवान राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की जय को बोलते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो राधा रानी की जय भगवान कृष्ण की जय। अब हम बताएंगे कि ये जो स्कंद नंबर 4 है उसका जो पहला अध्याय है हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। इसे बताया जाता है कि विदुर जी को श्री मित्र महाराज बताते हैं, महर्षि जो है वो बताते हैं शंभु महाराज जो है उनकी महारानी थी शत्रुपा, जिससे उनको प्रेवर्त और उत्तरानपद नाम के दो पुत्रों का प्राप्त होता है, और उसके सिवा 3 कन्या भी हुई थी जिनका नाम था अकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति को तो आप जानते हैं माता सती की माँ थी, और इसके अलावा अकृति का यदि भी उनके उनके जो भाई थे महारानी शत्रुपा की अनुमति से जो रुचि प्रजापति के साथ उनका पुत्रिक धर्म के अनुसार विवाह कर दिया था। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण बहुत तेजस के साथ उनके संतान की प्राप्ति हुई। आकृति के पुरुष से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा प्राप्त हुआ जिनको जो भगवान विष्णु के ही समान थे। इस तरह से आगे चल चल के देवहूति जो है वो कदम ऋषि को बहाई थी, और जो प्रसूति थी वो प्रजापति को भी आई, और उसके आगे जो प्रजापति है दक्ष उन्हीं की कन्या जो थी उसमें से जो सती भी आती है आपको पता है, और कर्तम ऋषि जी जो 9 कन्या हुई थी और जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई, और उसके बाद में मारिच ऋषि की जो पत्नी थी कर्दम उससे जो बेटी भी जिसको जिसका विवाह जिसका नाम काला था कला का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था जिसको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उन्होंने देवी के बहुत सारे बताए। अनुसुईया से दत्तात्रेय महाराज की माता जो अनुसुईया थे उन्होंने दत्तात्रेय महाराज ऋषि दुर्वासा को और चंद्रमा को जन्म दिया था, और इसी तरह से आगे के कर्मांश वो बताते हैं कि अलग अलग जन्म हुए हैं। इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि विश्वा मुनि की जो पति थी इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ, उनकी जो दूसरी पत्नी थी केशविनी, मतलब दूसरी पत्नी थी किसकी, मुनि इडविडा की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम केशिनी नाम था, उससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए, और इस तरह से बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो कौन कौन से उनकी माताएं हैं और वो किस तरीके से प्राप्त हुए, ये इस अध्याय में बताया गया है। अब हम अध्याय 2 की बात करेंगे जिसमें भगवान शिव और प्रजापति का आपस में झगड़ा हो गया था, और इसके बारे में ऐसा कहना जाती है कि एक बार स्वर्ग में बहुत बड़ी सभा चल रही थी, और जैसे ही ब्रह्मदेव सभा में आते हैं जो प्रजापति है वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और जैसे ही ब्रह्मदेव आते हैं तो उनके तेज प्रकाश को देख के सभी देवी देवता खड़े हो जाते हैं लेकिन शिव बैठे रहते हैं। इससे प्रजापति बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उसको अपशब्द कहते हैं, और उसके पास इतना गुस्सा आता है कि वो ठान लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपनी जो भी पुत्री होगी जो देवी थी कौन सी सती जो पूर्व जन्म में माता दुर्गा है शिव की पत्नी है उसका विवाह कभी भी शिव से इस योनि में नहीं करेंगे, ऐसा वो संकल्प लेते हैं और शिव को तभी से वो शिव के बैरी हो जाते हैं। वो शिव से कहते हैं कि तुझे बहुत ही अपने पर अहंकार है, तू घमंडी है, और तू ब्रह्मा की जिसने सृष्टि को बनाया है उसकी अगर तू आदर नहीं करता है तो मेरे आदर के लायक भी नहीं है, और वो तब से ब्रह्मा के सबसे शिव के सबसे बड़े शत्रु का नाम कौन है, दक्ष प्रजापति।
दक्ष प्रजापति खुद को जो है वो भगवान हरि विष्णु का सेवक था और उनके पूजा पाठ करता था, और तब से ही दो धर्मों में बट गया कि जो लोग शिव को मानते थे वो शैव संप्रदाय के लिए हो गए और जो लोग भगवान विष्णु को मानते थे वो विष्णु संप्रदाय के हो गए, यानी जिसे हम भागवत संप्रदाय बोलते हैं, और वो उस संप्रदाय में आ गए। अध्याय 3 में हम जानते हैं कि क्या हुआ था कि सती ने अपने पिता के यज्ञोत्सव में जाने की एक आग्रह किया भगवान शिव से, क्योंकि चूँकि सती का विवाह हो गया था भगवान शिव शंकर से, तो शिव शंकर जी से विवाह होने के बाद बहुत ज़्यादा रुद्र था, क्रोधित था, कुपित था प्रजापति, और उसने भगवान शिव की बेइज्जती करने के लिए, अपमान करने के लिए, कि जिस तरह से अपमान उसके पिता का हुआ था सभा में, भरी सभा में, इसी तरह से शिव का अपमान करने के लिए उसने शिव को, पार्वती को नहीं बुलाया, सती देवी को नहीं बुलाया, बाकी सभी को उसने, देवी देवता को उस यज्ञ में आमंत्रित किया। और जब सती को पता चलता है कि उसके पिता ने इस तरह का यज्ञ आमंत्रित किया है सभी लोगों को, तो उसको लगता है कि शायद पिता भूल गए हैं हमें बुलाना, और वो सोचती हैं कि बेटे को पिता के घर में जाने में क्या दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो वहाँ जाने की जिद करती है, जबकि भगवान कहते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और अब तो तुम मेरी अर्धांगिनी हो इसलिए नहीं जाना चाहिए, तो मना करने के बाद भी वो वहाँ पे चली जाती है। अब हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बताया गया है श्री माता राधा रानी की जय, गणेश जी की जय और भगवान कृष्ण की जय। साथी सती को जब वहाँ पे पहुँचती है और तब देखती है कि उनके जो पिता है वो भगवान शिव का बहुत ज़्यादा मतलब अपमान करते हैं, और साथ में सती को भी बोलते हैं कि तू जो है उस मुंड वाली उस अघोरी की पत्नी है, तुझे मैंने बुलाया नहीं था तो तू यहाँ क्यों आ गई। तब सती को लगता है कि उसके जो पति थे भगवान शिव शंभु, उन्होंने बोला था कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो गुस्से के मारे अग्नि में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर एक और कथा है कि भगवान शिव ने भगवान नारायण को बोला था कि तुम जा रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि सती जिद के मारे अपने पिता के जो यज्ञ चल रहा था वहाँ पे चली गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, और अगर कुछ गलत हो तो उसको बचा लेना, क्योंकि सती को बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो उसको ध्यान रखेंगी। सती ने जैसी अग्नि में प्रवेश किया, उसके बाद हम 5वां स्कंद शुरू करते हैं कि वीरभद्र जो है, जो दक्ष यक्ष को मतलब जैसे ही शिव को पता चलता है कि सती जो है उन्होंने अग्नि में झलांग लगा ली है, तो उन्होंने अपने 5वें अध्याय में वीरभद्र जो है जो उनके बालों से निकले थे, भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खूब जोर से छटका और उसे वीरभद्र नाम का जो भैरव थे वो पैदे, पहले भैरव थे ये वीरभद्र, वो आए और उन्होंने जाकर दक्ष का पूरा जो यज्ञ चला था उस पर मारकाट बचा दी, और उसके बाद उन्होंने दक्ष का सर भी काट दिया। सर काटने के बाद उन्होंने दक्ष को बोला कि चूंकि सती माँ जो जल गई थी और सारी प्रसूति वगैरह जितनी भी स्त्रियाँ थी वो सब व्याकुल होकर गिरने लगी, और वहाँ पे हाहाकार मच गया। इसके बाद हम जो अध्याय 6 का वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता थे, जब उन्होंने देखा कि हाहाकार मच गया है और वीरभद्र जो है बस वो तो काटे चले जा रहा था, वो किसी को नहीं देख रहे थे कि कौन देवी है, कोई देवता है, कौन मानव है, वो तो सबको बस विध्वंस करने में लगा था, क्योंकि उसने संकल्प लिया था कि वो प्रजापति दक्ष का जो सृष्टि है यानी कि धरती है उस पर किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि माता सती मर गई थी, जल उनकी मृत्यु हो गई थी आग में समाने के बाद। तो इसलिए महादेव को मनाने के लिए सारे देवी देवता जाते हैं कि आप उसको रोकिए और साथ में इस यज्ञ को पूरा कीजिए, क्योंकि ये यज्ञ का अनुष्ठान पूरा होना बहुत जरूरी है। इसी अध्याय में पता चलता है हमें कि एक नंदा नाम की नदी है जो कैलाश के पास बहती है, और इसी में भगवान माता सती जो थी माता मतलब देवी माँ, उसी में नहा देकर स्नान करती थी। अध्याय नंबर 7 में बताया गया है कि जब भगवान को मनाने के सारे लोग पहुंचे, तब उन्होंने नारायण की तरफ देखा और उन्होंने नारायण से बोला कि मैंने आपसे कहा था कि सती की रक्षा कीजिएगा, आपने सती को मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके, आवेश में आके भगवान शिव को एक ने जो है नारायण को श्राप दिया कि जिस तरीके से मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई है और आज मैं अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, इसी से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें मानव के रूप में बार बार जन्म लेना पड़ेगा और हर बार तुम्हें अपनी जो सबसे प्रिय होगी पत्नी होगी या सखा होगी उसके साथ आपको हर जन्म में आपका बिछाव होगा। और ऐसा ही हुआ, आने वाले टाइम में उनका सीता जी से बिछा हुआ, आने वाले टाइम में उनका राधा जी से बिछा हुआ था। उसके बाद उन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर भगवान दक्ष के जो दक्ष प्रजापति थे, भगवान ने दक्ष किए उस पूरे के पूरे यज्ञ को पूरा किया, और कैसे पूरा किया, उन्होंने बकरे का सर काट के दक्ष प्रजापति के सर पे लगाया और उसके बाद उस यज्ञ को पूरा किया, क्योंकि वो यज्ञ पूरा होना बहुत जरूरी था, उस यज्ञ को पूरा किया और फिर वो माता सती के शरीर को लेके आगे बढ़ गए। दक्ष को जब अपना नया सर मिला तो उसको अपनी भूल और अज्ञानता, अहंकार का, घमंड का, जो भी उसने किया था और उसने सृष्टि को कितना नुकसान पहुंचाया उसका भी उसको ज्ञान होता है। सभी देवी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं और फिर उसके बाद भगवान शिव
वैराग्य में आकर, क्रोध में आकर जो है माता सती के शरीर को उठा के संसार भर में विचरण करते हैं। और भगवान नारायण जानते हैं कि भगवान का विवाह और पुनः जो है माता सती से नहीं हो पाएगा मिलन, अगर सती के शरीर को विग्रह करके उसके पूर्ण रूप से उनको शांत नहीं किया जाएगा। इसलिए वो बाण चलाते हैं और शरीर के जो शरीर होता है सती माता का, वो अलग अलग स्थान पे धीरे धीरे खंड टूट टूट कर गिरना चलता है। जैसे माता कामाख्या में माँ की योनि गिरी थी, और इस तरह से जो ज्वाला जी हैं वहाँ पर माता का जो पेट है उधर जिसे हम बोलते हैं वो गिरा था, नैना देवी में आंखें गिरी थी। इस तरह से माता का अलग अलग अंग गिरते हैं, वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ बन जाता है, वहाँ पर एक एक भैरव की स्थापना होती है। और उसके बाद फिर माता सती जो है अगले जन्म में जो है हिमाचल यानी कि ये जो हिमालय देवता हैं उनके घर में नैना देवी के गर्भ से माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेती हैं। ये कथा जो मैंने आपको सुनाया है, इसको सुनने से आपके सभी पापों का शमन होगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। सुनने वाले के भी और सुनाने वाले के भी, मेरा, मेरे वंश का, मेरे माता पिता भाई बहन सभी का जो भी पाप है उनका नाश होगा, और मेरे जो सब्सक्राइबर है जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके भी सभी पापों का नाश होगा, ऐसा विश्वास है मुझे। अब हम अध्याय 8 का जो है का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें ध्रुव की कहानी बताई गई है। आपको पता होगा कि एक राजा थे जिनके दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपद नाम के दो पुत्र हुए थे, और उनमें से जो उनकी जो पत्नी थी, भगवान की कृपा से उनकी दो पत्नी हुई, सुनीति और सुरुचि। जो सुरुचि थे उसका पुत्र का नाम था ध्रुव, जो अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्रिय था। और राजा जो है उत्तानपद सुरुचि के जो पुत्र को हमेशा अपनी गोद में लेके बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो इससे क्या होता है, सुनीति बहुत नाराज़ हो जाती है और उसको धक्का दे के बोलती है कि तू सिंहासन के लायक नहीं है, क्योंकि सिंहासन तो मेरे पुत्र को प्राप्त होना है। इससे वो बच्चा जो है वो डरने लगता है और रोते हुए भागता है अपनी माँ के पास। तो उसकी जो माता होती है वो जो है जो सुनीति है जिसका पुत्र ध्रुव है और जो सुरुचि है वो पहली पत्नी थी, तो सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव उससे राजा को बहुत प्यार था, जिनका नाम था उत्तानपद। तो जब वो ध्रुव को धक्का मारती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तब ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास जाता है और उनके पास जाकर रोता है। तो वो उनको भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में बताती हैं, और वो फिर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के जो जंगल होता है वहाँ पर जाकर उनकी प्रार्थना करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगता है। अष्टम अध्याय में बताया गया है कि किस तरीके से वो भगवान श्री की प्रार्थना करता है और वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है और ओम नमो भगवते वासुदेव का ही जाप करता रहता है। अध्याय 9 में बताया गया है कि किस तरह से भगवान जो है उनसे प्रसन्न होते हैं ध्रुव जी से और उनको आशीर्वाद देते हैं निष्कंटक राज्य का, और साथ में उन्हें ये भी आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें सबसे उच्च स्थान देता हूँ, तुम तो अपने पिता की गोद के लिए व्याकुल हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने गोद से उतार दिया था, और तुमने अपने पिता की गोद सिर्फ मांगी है लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पिता की गोद से भी बड़ी गोद मैं आज तुम्हें देता हूँ और वो मेरी गोद है। मृत्यु के बाद तुम्हें ध्रुव तारे के रूप से जाना जाएगा, और ऐसा उनको आशीर्वाद दिया जाता है और फिर वो घर अपने लौट जाते हैं। अध्याय 10 में बताया गया है कि बड़े होकर ध्रुव जी ने जो प्रजापति शिशुमार है उनकी पुत्री भ्रमी से विवाह किया था, जिससे उनके दो पुत्र हुए थे जिसका नाम कल्प और बत्सर नाम था। और महाबली ध्रुव ने जो उनकी दूसरी स्त्री थी वायुपुत्री इला उससे विवाह किया था, जिसके उनका जो पुत्र हुआ था एक और एक कन्या रत्न की उसको प्राप्ति हुई। और उत्तम जो उनका जो बड़ा भाई था जो उनकी सौतेली माँ का पुत्र था उसका कोई भी पुत्र नहीं था, और यक्षों के साथ युद्ध करने में उत्तम की मृत्यु हो जाती है। वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो सारे यक्षों को यानी कि लगभग 13,000 से ज़्यादा यक्षों को मार देते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में यक्षों के मरने से सारे का हाहाकार मच जाता है। अब हम अध्याय जो है 11 की बात करेंगे, जिसमें स्वयंभू मनु जो है वो ध्रुव जी से युद्ध को बंद करने के आग्रह करते हैं। वो ध्रुव को समझाते हैं कि वो युद्ध को बंद कर दें क्योंकि इस तरह से यक्षों की हत्या करना जो है उनको पापी बना देगा, और उन्होंने भगवान की महा जो है तपस्या करके श्री नारायण से जो वरदान पाया है वो भी वो अपने हाथों से खराब कर लेंगे। चूँकि कुबेर जी भी एक यक्ष हैं और वो भगवान शंकर के सखा भी माने जाते हैं, तो इसलिए कुबेर जी का भी बहुत ही उसमें जो है नुकसान होता है, इसलिए उनको रोका जाता है। जैसे कि क्योंकि कुबेर धन संपत्ति के मालिक होते हैं, ऐश्वर्य के मालिक होते हैं, यदि कुबेर जी की भी हत्या हो जाएगी ध्रुव के द्वारा तो फिर सृष्टि का नाश हो जाएगा, अतः उसको रोक दिया जाता है।
अध्याय 12 में श्रीमद् भागवत जी के बताया जाता है कि ध्रुव जो है कुबेर जी को छोड़ देता है, इसलिए कुबेर जी प्रसन्न हो गए, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देते हैं और मृत्यु के बाद जो ध्रुव है उसे विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है, जो कि उनको पहले ही वरदान मिल चुका होता है। इस तरीके से अध्याय 12 का समापन होता है। जय श्री गणेश जी। अध्याय नंबर जो 13 है उसमें ध्रुव जो है राजा ध्रुव थे, जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें जो है विष्णु जी के पद को प्राप्त करते हैं, वो गरुड़ में उड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। और अध्याय 13 में भगवान ने जो ध्रुव का वंश है उसका वर्णन किया जाता है और उनके जो साथ में जो उनके आगे के वंशज से उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है। ध्रुव के जो राजा ध्रुव थे उनके स्वर्गामन जाने के बाद उनके जो वंश था उसमें बहुत सारे जो आगे राजा हुए, उनके उत्तराधिकारी हुए, उनमें से बहुत ज़्यादा जो थे वो कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ जो थे बहुत ज़्यादा जिन्होंने मानव जाति का नुकसान किया है वो भी थे, और उन्हीं के बारे में आगे वर्णन किया जाता है। ये वो राजा थे जो भोग विलास में तृप्त थे, जिन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध बना के अपनी संतानों को जन्म दिया था। आगे हम राजा वैन की कथा पढ़ते हैं अध्याय 14 में। तो विदुर जी को बताते हैं ऋषि मैत्रेय कि वैन जो राजा थे, राजा अंग जो थे वो राजा वैन के पिता थे, और उनको जो है वैराग्य हो जाता है और वो अपनी बच्चे और पुत्री मतलब बच्चे को और अपनी पत्नी को बेसुध नींद में छोड़ते हुए ही राजमहल से बाहर निकल के वन की ओर निकल पड़ते हैं। सभी ऋषि परेशान हैं और उनको लगता है कि अंग बहुत अच्छे राजा थे और उनके चले जाने के बाद, उनके वैराग्य लेने के बाद, सृष्टि को बचाने के लिए और सृष्टि में जो हाहाकार मचा है उसको ठीक करने के लिए कोई भी नहीं रह गया है। और उनके जो पुत्र थे वैन, राजा वैन बहुत ही कठोर शासक थे, और जैसे ही वो राज अधिकारी बनते हैं और राजा बनते हैं, सिंहासन को बैठते हैं, तो जितने भी लोग थे, जो भी गलत थे, जैसे चोर थे, डाकू थे, या जो विलिप्त थे गंदी चीज़ों में, वो उन सबको जैसे ही पता चलता है वो सारे डर के मारे छिप जाते हैं, क्योंकि राजा सभी पे अत्याचार करके उसने जितने भी जहाँ जहाँ वो लोग देखे जो धर्म के विरुद्ध थे, जो धर्म का नाश कर रहे थे, उनके साथ मारकाट मचा दी थी। लेकिन धीरे धीरे राजा वैन जो है उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है और वो भगवान जो नारायण थे उनका शत्रु बन जाता है, और वो सभी औरतें जो सभी लड़कियां जो नारायण की पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, वो जो स्त्रियां विवाहिता करती हैं, उन सबको कहने लगता है कि तुम किस तरह की स्त्रियां हो जो अपने पतियों को छोड़ के किसी पर पुरुष की जो है स्तुति करती हो और उसके साथ संबंध बनाना चाहती हो, और उस तरह से भगवान नारायण की जो जो पूजा करती हैं स्त्रियां लड़कियां उनको गालियां देता है। इससे ऋषि मुनि जो है नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये धर्म का नाशक है, इसको सिंहासन पर बैठने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा, क्योंकि ये दुराचारी है, ये भगवान के बारे में उल्टा सीधा गलत बोलता है। अर्थात समस्त ऋषिगण नाराज होकर हुंकार भरते हुए उसका पतन कर देते हैं और उसको मृत्युलोक पहुंचा देते हैं। अध्याय 15 में ज्ञात होता है कि वैन की मृत्यु के बाद, चूंकि कोई भी राजा सिंहासन पे नहीं था, अतः बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने जो उनके पास विद्याएं होती हैं उसके बल पे राजा जो वैन था उसकी दोनों भुजाओं को पृथक करके जोड़ा और उसके साथ एक नए अंश की भगवान विष्णु के द्वारा उत्पत्ति की और एक नए राजा का बनाया, और जिसका नाम पृथु हुआ, और उसको राज्याभिषेक किया गया। अध्याय 16 में नारायण की इच्छा से उत्पन्न हुए राजा पृथु जो थे, जिनको राज सिंहासन दिया गया, उनकी सभी लोग स्तुति करते हैं और उनका मंगल गान करते हैं, ऐसा अध्याय 16 में दिया गया है। अब हम अध्याय 17 की तरफ चलेंगे, जहाँ पे महाराज पृथु जो है पृथ्वी से कूपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और उसके द्वारा फिर पृथ्वी जो है उनकी स्तुति करती है। इसका कारण वो जानते हैं कि एक बार जो धरती है वो महाराज जो थे उनकी जो पृथु थे उनकी, क्योंकि सभी लोग भारत पृथु की बहुत जो सराहना करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो धन धान्य देने वाले हैं और मनचाही वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं, इससे पृथ्वी नाराज़ हो जाती है और पृथ्वी अपने शरीर के अंदर सभी अन्न धान धन्य को छुपा लेती है, जिससे संसार भर में हाहाकार मच जाता है, लोग भूखों मरने लगते हैं। जब राजा को पता चलता है कि धरती ने जानबूझकर ऐसे करा है पृथ्वी ने, तो पृथ्वी पर कुपित होकर बाण छोड़ देते हैं, और इससे पृथ्वी डर जाती है और वो भगवान से रक्षा करने के लिए और प्रार्थना करती है, और उसके बाद वो प्रार्थना करती है कि वो जो पृथु राजा है वो उस पर कुपित ना हो। इसी अध्याय में पता चलता है कि पृथ्वी ने राजा पृथु से बचने के लिए गाय का अवतार भी लिया था और वो गौ रूप में संसार भर में भागी थी, लेकिन पृथु के जो बाण थे वो उससे अपनी आप की रक्षा ना कर सकी, अतः अंत में उसने भगवान की शरणागत ली और पृथु को मना कर अपने पापों के लिए विनती की और पृथु ने उन्हें क्षमा किया। अध्याय नंबर 18 में बताया गया है कि पृथ्वी को दोहा गया। पृथ्वी को दोहा का मतलब कि राजा जो थे उन्होंने पृथ्वी को माफ़ कर दिया और पृथ्वी ने कहा कि एक मेरे लिए
बछड़ा लेके आइए, एक दोहन पात लेके आइए और मुझे दोहना शुरू कीजिए, और जैसे ही आप मुझे दोहेंगे तो मैं जो भी उन्होंने अपने अंदर छुपा लिया था धरती के रूप में, वो सारी अभिष्ट चीज़ों को वापस बाहर लाएंगे, अन्न धन जल भंडार खनिज पदार्थों को वापस देना शुरू कर देंगी। इस तरह से पृथ्वी को दोहा गया और सभी चीज़ों को पुनः प्राप्त किया गया। अध्याय नंबर 19 में बताया गया है कि महाराज पृथ्वी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ उसके बाद किए, जिससे कि सभी जगह जो है श्री हरि की कथा फैले, सभी जगह सौहार्द हो और कहीं पे भी कुटिलता ना हो, सभी जगह धर्म ही धर्म फैले। चूंकि जो राजा पृथ्वी थे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत मानते थे और उन्होंने अपना अश्वमेघ यज्ञ छोड़ा हुआ था, तो इसमें जो इंद्र थे वो भयभीत हो गए और उन्होंने उनका घोड़े को चुरा लिया। जैसे ही उन्होंने उनके घोड़े को चुराया तो राजा पृथ्वी उनके पीछे दौड़े उनको मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा था। इंद्र ने पाखंड का रूप ले लिया और वो नग्न रक्तंबार कपाल की और पाखंड को अत्याचारों को मनुष्यों में फैलाने लगा और इंद्र के कुचाल बढ़ते चले गए और इंद्र ने धर्म को अधर्म में बदल दिया। देवी देवताओं के समझाने पर और ऋषि वरों के मित्र के समझाने पर जो ब्रह्मा जी ने समझाया राजा पृथ्वी को और उसके बाद उनसे कहा कि आप स्वयं भगवान के अवतार हैं, अतः इस अश्वमेघ यज्ञ को रोक दीजिए, क्योंकि इंद्र को डर लगता है कि उसके सिंहासन छिन जाएगा, अतः उन्होंने उसको रोक दिया और उसके बाद उन्होंने इंद्र से संधि कर ली और अपने अश्वमेघ यज्ञ को वहीं पे छोड़ दिया, रोक दिया। इस तरह से ये अध्याय भी पूरा होता है। अध्याय नंबर 20 में हम जानते हैं कि राजा पृथ्वी की जो यज्ञशाला थी उसमें भगवान श्री हरि विष्णु आकर अपना विराट रूप देते हैं और उसके बाद उसको ज्ञान देते हैं और सब कुछ फिर से संसार में सही ठीक हो जाता है। भगवान जो है इन जो भगवान जो है वो कहते हैं राजा पृथ्वी से, आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का जो संकल्प लिया था उसमें इंद्र ने विधन डाला है, लेकिन अब इंद्र आपसे क्षमा मांगते हैं, अतः इनको क्षमा कर दीजिए और निष्कंटक अब पुनः राज्य की स्थापना कीजिए। अध्याय 21 में महाराजा पृथ्वी जो है अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक धर्म रूपी जो है पूरे राज्य का निर्माण कर दिया है, अब राज्य में कोई भूखा नहीं है, सब जगह सौहार्द है और सभी लोग का पालन हो रहा है, पोषण हो रहा है और उनकी जो पवित्र कीर्ति है उसको संसार समझने लगा है और सौम्य रूप से वो सभी ऋषियों राजमुनियों का सभी का आदर सम्मान करते हुए अपनी प्रजा को सम्मोहित करते हैं। अध्याय 22 में पता चलता है कि जिस समय राजा पृथु जो है पृथ्वीपालक राजा जो है वो अपने तेजस्वी के बारे में मुनीश्वरों सभी को ज्ञान दे रहे थे, उसी समय 4 ऋषि जिनको सनकादिक आते हैं बोलते हैं वो आते हैं, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का ही अवतार हैं, जिनका नाम है सनक, सन नंदन, सनातन, सनंत कुमार, ये चारों जो आते हैं और वो राजा पृथु को उपदेश देते हैं धर्म को फैलाने के लिए। राजा उन्हें पहचान जाते हैं और उनको अभिनंदन करते हैं और वो जान जाते हैं कि यह कोई और नहीं उनके प्रिय भगवान विष्णु ही हैं। अध्याय 23 में हम इस बात को ज्ञात करते हैं कि राजा पृथु संसार में राज्य करते करते उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या में चल जाते हैं और उसके बाद उनका जो शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है और अंत में वो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते करते जो है संसार से विदा लेकर परलोक चले जाते हैं। अध्याय नंबर 24 में हम जानते हैं कि राजा पृथु जो थे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भगवान जो नारायण है उनके पास हमेशा के लिए चले जाते हैं। अध्याय 24 में बताया जाता है कि उनकी कौन कौन सी वंश की परंपराएं थी और भगवान रुद्र ने उनको कैसे कैसे उपदेश दिए थे। राजा के जाने के बाद उनके जो पुत्र थे जिसमें से राजा विजिताश्र ने जो कि सबसे बड़े राजा थे, उन्होंने अपने भाई हर्षेक्ष को पूर्व में, धूर्मकेश को दक्षिण में, वृक को पश्चिम में और दक्षिण का राज्य दक्षिण को जो राजा दक्षिण को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। इस तरह से उन्होंने सभी को राज्य दे दिए और वो धीरे धीरे शक्तियों को प्राप्त करने लगे और उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था जिनसे उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम था पावक, पावमान और शुचि। इस अध्याय में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति का जो स्रोत होता है वो सबसे बड़ा स्रोत होता है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि मानव जाति में जो भी प्राणी पैदा हुआ है सभी योनों में उनका जो अंतिम लक्षण है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। अध्याय 25 में भगवान शंकर के द्वारा पुराण जुनोपाख्यान का प्रारंभ हुआ और उन्होंने जो है भगवान शंकर ने जो है कुछ स्रोतों का वर्णन किया है जिसको रुद्रों के द्वारा 10,000 वर्षों तक किया गया। अध्याय जो 26 है जिसमें राजा पुरंजन का शिकार खेलने और उनके वन में जाने का वर्णन मिलता है और जिससे उनकी रानी बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती है।
अध्याय नंबर 27 में चंडवेक नाम का एक गंधर्व वास था, उसके बारे में वर्णन किया जाए है और उसकी पुत्री काल कन्या के वर्णन किया गया है और पुरंजपुरी पर किस तरह से चंडवेक ने लड़ाई की उसका चित्रण किया गया है। भोगविलास में जुड़े हुए जो गंधर्व थे उनसे किस तरह से पुरंजपुरी के लोग लड़ाई करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं 28, 29 और 30 का जो पाठ होगा मैं उसको जब मैं 5वां स्कंध सुनाऊंगी तो उसमें ही मैं उसको जोड़ दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री गणपति महाराज आप सब पे कृपा करें।